हेलो। तो हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं आज। इसमें कुछ डिपेंडेंट वाले क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, वो वाले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वाले मतलब क्या? डिपेंडेंट वाले मतलब क्या मैं बताता हूँ। आई थिंक ये आपका 5th या 6th टॉपिक होगा। ठीक है, लिखते आना। 400 मैंने आपको ए मेरे करा दिए थे, फिर एक 5th कराया था मिसलिनियस। 5th मैंने कराया नहीं अभी, मिसलिनियस से वेन डायग्राम कराया। वेन डायग्राम आपके पास में, यहाँ पे दूसरा करा रहा हूँ, सेकंड वाला आपको इस सेकंड सी के अंदर। वेन डायग्राम में मैंने आपको कुछ दिखाया भी नहीं है ना। डिपेंडेंट वाले कुछ डिपेंडेंट 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 है ना। तो मैं बेसिकली करा रहा हूँ आपकी 7B के लिए। 7B का सेकंड टॉपिक है ना। अरे हेडिंग का नाम छोड़ देना, हेडिंग हम कुछ और डिसाइड कर लेंगे इसके अच्छे से। ठीक है, इतना ना कॉन्सेप्ट रखता हूँ, समझा लो कि है क्या। ठीक है, एग्जांपल लिखते हैं। अर्नव इस कोर्स ट्वेंटी मार्क्स मोर देन दिवानसी। फिर लिखा मैंने दिवानसी स्कोर्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स मोर देन प्राची। ठीक है, है ना। अब क्वेश्चन क्या है इसके लिए यहाँ पे आपका? अब आपको क्वेश्चन बन के यहाँ पे फाइंड हाउ मच ए आर एंड ए बी आर द स्कोर्स। अब यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, मेरे को प्राची स्कोर्स, प्राची स्कोर्स, दूसरे में रुक जाना, आपको वॉइस आएगी थोड़ी सी। प्राची स्कोर्स प्राचीस मार्क्स, प्राचीस 50 मार्क्स, प्राचीस कोर्स 50 मार्क्स। ठीक है, अब आपको पता लगाना है, अब आपको पता लगाना है क्या, फाइंड हाउ मच अर्नव स्कोर्स। और सेकंड क्वेश्चन है आपका फाइंड हाउ मच दिवानसी स्कोर। हेलो हेलो हेलो, 2 सेकंड रुक जाना, आपको थोड़ी देर चाहिए। अरे ठीक है, क्या नहीं,
एग्जाम्पल से लिखा था और रिजल्ट ही नहीं हमारे पास, इसको कहीं और लिखते हैं, ये कोई बात नहीं कॉल कर रही है तुम्हारी, इसको कहीं और लिखते हैं। ये कोई बात नहीं कॉल कर रही है, ये कॉल हाँ जवाब तो कर कुछ है रही नहीं यहाँ पे, यहाँ नोट कर लेते हैं, ठीक है। है। हाँ सारे बारे बहुत बार ये काम करते हैं यार, तो क्या है यहाँ पे नोट करते हैं, देखो मैं कुआं खा लेंगे, देखो मैं कुआं खा लेंगे, देखो देख ले तुम्हें ग्यारह बजे काम ना, फिर 12 बजे खबर, रात की खबर ध्यान जा देंगे नहीं। ठीक है, तो ये वाला कैसे पता लगा होगा, आप जरा थोड़ा सा रीड करके देखो, वीडियो पॉज करके इसका आंसर जरा पता करो, वीडियो पॉज करके ये वाला खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करो, ठीक है। कैसे करोगे, आई थिंक आपने दिमाग लगा लिया होगा। क्वेश्चन बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहा है कि सर अर्नब ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं पता नहीं, अर्नब के मार्क्स डिपेंड हैं किस पे, देवांशी पे, अर्नब के मार्क्स डिपेंड हैं देवांशी के मार्क्स पर, अगर देवांशी ने 100 मार्क्स स्कोर किए हैं तो अर्नब ने 120 किए हैं, अगर देवांशी ने 10 किए हैं तो अर्नब ने 30 किए हैं, देवांशी ने अगर 1 मार्क्स स्कोर किया था अर्नब ने 21 किया है, यानी अर्नब ने कितने किए एग्जैक्ट नहीं पता, बस देवांशी ने जितने किए उससे 20 एक्स्ट्रा किए हैं, उससे 20 एक्स्ट्रा स्कोर किए हैं, बस देवांशी के पता लगाओ, देवांशी को पता लगाओ देवांशी ने कितना किए, हमने देवांशी का पता, देवांशी ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, 10 मार्क्स, नहीं, 10 मार्क्स मोर देन पास, यानी 10 मार्क्स देवांशी ने कितने स्कोर किए, 100, नहीं कुछ नहीं पता, उसने भी कहा कि देवांशी के मार्क्स स्कोर करते हैं किस पे, प्राची पे, अगर प्राची ने 100 मार्क्स स्कोर किए हैं तो देवांशी ने 110, अगर देवांशी ने वो प्राची ने 20 मार्क्स स्कोर किए हैं तो देवांशी ने 30, यानी कि देवांशी के भी किस पर डिपेंडेंट डिपेंड है, प्राची पर, देवांशी के किस पर डिपेंड है, प्राची पर है, और प्राची स्कोर सर 50 मार्क्स मोर देन, अरे सर मोर देन तो लिखा नहीं, यानी प्राची के कंप्लीट नंबर लिखे, यानी प्राची के मार्क्स किसी पर स्कोर नहीं है, किसी पर स्कोर नहीं है, यानी कि क्वेश्चन को इस तरह से बन रहा है, 3 लोग हैं अर्नब देवांशी एक है प्राची, है ना, अब अर्नब ने कितने स्कोर किए वो डिपेंड करता है इस पर, देवांशी पर, देवांशी ने कितने स्कोर किए डिपेंड करता है प्राची पर, यानी कि फाइनली क्वेश्चन कैसे निकलेगा सर, पहले हमें इसकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी, फिर इसने अभी किसमें क्या दिया, वो कह रहे हैं अर्जुन ने कितने स्कोर किए हैं, 20 मोर देन देवांशी, 20 मोर देन देवांशी, ठीक है, देवांशी ने कितने स्कोर किए हैं, 10 मोर देन प्राची, अभी वो गाड़ी कैसे ली, अभी गाड़ी थोड़ी उल्टी से ली सर, सबसे पहले अर्जुन का नाम दे दो, अर्जुन भी सही, हमें देखने कि अल्टीमेटली हम किस पर डिपेंडेंट है, अल्टीमेटली तो सर से चार्ट बना, सर से चार्ट बना के देखो पेंसिल से, कि अपना देवांशी पर, देवांशी प्राची पर है, यानी कि अल्टीमेटली हमारी गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होगी, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम आगे जा पाएंगे, तो हम आगे ऐसे जा पाएंगे, तो हमें ये पता करना है, तो ये हमें पता है, ये क्वेश्चन भी तो देता ही हमें, बस हमें समझ जाए कि गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होगी, तो आपको डायग्राम बनाना है, बस जो डायग्राम बनाने से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 4-5 क्वेश्चनों में, तो पता प्राची ने कितने स्कोर किए हैं, 50, तो सर देवांशी ने कितने स्कोर किए होंगे, तो देवांशी ने 10 एक्स्ट्रा स्कोर किए होंगे इससे, तो यानी इसके आगे 60, और सर अर्नब ने कितने स्कोर किए होंगे, सर अर्नब ने देवांशी से 20 ज़्यादा स्कोर किए होंगे, अर्नब के कितने आ गए 80, यानी क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको 80 और 60, ये डायग्राम कहाँ ड्रॉ करना है, ये डायग्राम आपको स्क्रीन से ड्रॉ करना है, ये जो किया था ना लिखा है क्वेश्चन स्क्रीन से डायग्राम ड्रॉ करना है, वीडियो को पॉज करो और ड्रॉ कर लो, ठीक है, तो आपको दोनों का आंसर मिल गया, दोनों का आंसर आपको मिल गया, चार्ट ही आपका आंसर है, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए आप चार्ट देखें ना, डायग्राम जो हमने बनाया है, ठीक है, तो सही तो बात हो गई, इस तरह से तो बात होगी इस तरह से, ठीक है,
लेकिन अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लूँ, थोड़ा चेंज करूँ, थोड़ा चेंज करूँ मतलब क्या, अब मैंने बोला अदना स्कोर्स 20% मोर देन द वन, 10% मोर देन द वन, सर मैंने यहाँ पे नंबर्स की जगह परसेंटेज का डाला, नंबर्स नंबर्स की जगह परसेंटेज का डाला, वहाँ पर बोला 20 मार्क्स मोर देन, यहाँ पे बोला 20% मार्क्स मोर देन देवासी, ठीक है, वहाँ पर सर 10 मार्क्स मोर देन प्राची, तो मैंने यहाँ पे 10% मार्क्स मोर देन प्राची, तो सर ये कैसे होगा? कुछ नहीं, वही चार्ट बनाने की कोशिश करो, वही चार्ट बनाने की कोशिश करो। तो सबसे पहले अदना, अदना डिपेंडेंट है देवांशी पर, अर्नव डिपेंडेंट है देवांशी पर, देवांशी डिपेंडेंट है प्राची पर। सर कैसे डिपेंडेंट है जरा समझाएंगे? हाँ देख, उसने कहा अर्नव के मार्क्स इतने, सर अर्नव के मार्क्स इतने, अर्नव के मार्क्स कितने हैं? सर जितने देवांशी के मार्क्स है ना, उससे 10%, उससे 20% एक्स्ट्रा, उससे 20% एक्स्ट्रा, यानी देवांशी के जितने मार्क्स हैं उससे 20% एक्स्ट्रा। तो देवांशी कैसे डिपेंडेंट है प्राची पर? देवांशी ऐसे डिपेंडेंट है, उसमें लिखा उस कि देवांशी जो स्कोर करती है वो कितने स्कोर करती है, प्राची ने जितना स्कोर किया उससे 10% एक्स्ट्रा, उससे 10% एक्स्ट्रा, उससे 10% एक्स्ट्रा। तो सर इसमें भी गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी? इसमें भी गाड़ी यहीं से स्टार्ट होगी, उल्टी है ना। तो सर देखो सब लोग, यानी अल्टीमेटली हम देखें प्राची पर डिपेंडेंट है, प्राची को पता चल जाए तो देवांशी की पता चल जाएगी, फिर देवांशी की पता चलेगी तो अर्नव की पता चल जाएगी, इसी तरह से तो होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर चलो, प्राची की वैल्यू है क्या नहीं आपके पास? है तो वैल्यू तो नहीं है तो पता करनी पड़ेगी क्वेश्चन में, तो सर ये तो 50 दी हुई है। अब वो कह रहा है सर इससे देवांशी की पता लगाओ, इससे देवांशी कैसे पता लगाओ? 10% ऐड कर दो, 10% ऐड कर दो, 10% कैसे निकालो? 10% और 50 50, ये आपको ऐड करना है, ये आपको ऐड करना है। तो देखो सॉल्व करो, इस 10 से 10 कैंसिल, इस 10 से 10 कैंसिल, यानी 5 मार्क्स आए, तो 5 मार्क्स ऐड कर दो 50 में, तो देवांशी के टोटल मार्क्स कितने आ गए? 55। अर्नब के कितने मार्क्स आएंगे? अब अर्नब के डिपेंड करते हैं देवांशी ने कितना स्कोर किया है, देवांशी ने सर स्कोर किया है कुछ किया है, अर्नब को उससे मिलेंगे 20% एक्स्ट्रा। तो देखो 20% एक्स्ट्रा, 20% कैसे निकालो? 20 पर सेंट ऑफ 55, दिवांशी ने जितना स्कोर किया है उसका 20% एक्स्ट्रा, ठीक है, और 20 से कैंसिल किया मैंने 5 टाइम्स, और 5 से मैंने कैंसिल किया 11 टाइम्स, यानी अदर 11 मार्क्स मोर देन दिवांशी स्कोर किए हैं, तो 55 में 11 ऐड कर दो, 66 आपका आंसर आ गया। एंड इस तरह सॉल्व करना है, नोट कर लो पहले चार्ट, फिर मैं आपको बताता हूँ, वीडियो पॉज करके साथ ड्रॉ कर लो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले वाले में जो आपको वैल्यू दी हुई थी वो सीधे वैल्यू दी हुई थी, तुमने वैल्यू सीधे ऐड कर दी। दूसरे वाले परसेंटेज दिया था, तो हमने क्या किया, परसेंटेज की फिर वैल्यू निकाली, फिर हमने परसेंटेज से वैल्यू निकाली है। तो कुछ डिफिकल्ट था या नहीं था? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, ईजी था, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं सर, इसमें कुछ स्टेप वगैरह लिखवा दो, स्टेप लिखवाओ, समझा नहीं, समझे नहीं आपको, स्टेप लिख लो, इनके स्टेप लिख लो, कैसे सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन को। लिखो स्टेप वन, फाइंड आउट हु इज डिपेंडेंट ऑन हुम, कौन किस पर डिपेंडेंट है, कौन किस पर डिपेंडेंट है, तो ये पता करो सर, हमें समझता है कि अर्ण द्वांशी पर, द्वांशी प्राची पर है, ठीक है। देन सेकंड स्टेप क्या है,
फाइंड आउट द लास्ट लास्ट पर्सन ऑन द सीरीज ऑफ डिपेंडेंसी. सब मतलब क्या है इसका, मीनिंग बता रहा हूँ हिंदी में, जिस भी लैंग्वेज में आपको लिखना है वो लिख लेना. फाइंड आउट द लास्ट पर्सन ऑन द सीरीज ऑफ डिपेंडेंसी, ये हमने सीरीज में डिपेंडेंसी की, हमने सीरीज में डिपेंडेंसी की, ये हमने सीरीज बनाई है डिपेंडेंसी की. अरे दिवानसी पर है, दिवानसी दिवानसी प्राची पर है, तो सीरीज में तो लास्ट पर्सन है, इस सीरीज में तो लास्ट पर्सन है, इस सीरीज में तो लास्ट पर्सन है ना, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है. उसको हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आपको क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम दैट लास्ट पर्सन, उस लास्ट पर्सन के कैलकुलेशन से स्टार्ट करो. तो लास्ट पर्सन से तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग की थी, 50 दी थी लास्ट वाली की, तो लास्ट के अकॉर्डिंग हमने स्टार्ट किया था. स्टार्ट फ्रॉम दैट लास्ट पर्सन, फिर लास्ट पर्सन से कैलकुलेशन स्टार्ट अपनी कर दो. ये 3 स्टेप है, इस स्टेप से कुछ नहीं समझना था केवल आपको, कि पहले तो पता करो कौन किस पर डिपेंडेंट है, फिर जो लास्ट पर्सन है ना, लास्ट पर्सन डिपेंडेंसी का, उसको पता करो, उससे क्योंकि कैलकुलेशन हमारी स्टार्ट हो पाएगी, ठीक है. बस ये स्टेप है, वीडियो को पॉज करके देखते हैं ना, बार बार सोचूंगा नहीं मैं, ठीक है. मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूँ उसमें, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12, फिर उससे अच्छा अभी देखते हैं कोई और एग्जाम्पल है, इसलिए आप देखना है. अच्छा यही है, अब जो मैंने समझाया ना उसी की तरह से ये है, बस थोड़ा सा इसमें क्या है, कुछ और दिया हुआ है इसमें ना, वैल्यू दी ही नहीं किसी की, उससे वैल्यू नहीं दी तो क्या करें, कुछ नहीं, कुछ काम करेंगे. एज इनकम इज 10% मोर देन बी, यानी ए की इनकम जो है वो बी पर डिपेंडेंट है, ए की इनकम बी से 10% ज़्यादा है. ए की कितनी है तुम्हें ये नहीं पता, बस बी की जितनी है उससे 10% ज़्यादा है. बी की अगर 100 है तो उसकी 110, बी की अगर 2 है, 200 है तो उसकी 220 है, बस उससे 10% एक्स्ट्रा है. तो बताओ हाउ मच इज बीज इनकम लेस देन ए, वो कहते हैं बी की इनकम कितनी कम है उससे. सर अगर उसकी मुझसे 20% ज़्यादा है तो मेरे से 20% कम हो जाएगी, क्या आपको ऐसा लगता है? अगर किसी की इनकम आपसे 20% ज़्यादा है तो क्या आपकी इनकम उससे 20% कम होगी, 20% कम होगी? एक केस लो, एक एग्जांपल, आपको 100 रुपये मिले, आपके भाई को आपसे 20 रुपये एक्स्ट्रा मिले, कितने मिल गए, 120, तो रुपीज़ के टर्म्स में था, रुपीज़ के टर्म्स में आपके भाई को कितने ज़्यादा मिले, 20, रुपीज़ के टर्म्स ज़्यादा मिले 20, ज़्यादा मिले 20, और रुपीज़ के टर्म्स में आपको कितने रुपये कम मिले आपके भाई से, सर रुपीज़ के टर्म्स में मेरे भाई को 120 मिले, मुझे 100 मिले, 20 रुपीज़ मुझे कम मिले. हाँ सर रुपीज़ के टर्म्स में तो आपको जितना मिला और भाई को जितना मिला दोनों सेम है, आपको जितना कम मिला और आपके भाई को जितना एक्स्ट्रा मिला दोनों सेम आ रहे हैं रुपीज़ के टर्म्स में, लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में देखो सर, परसेंटेज के टर्म्स में ज़्यादा देखो, जैसे कि सर समझाओ ज़रा, सपोज करो आपको 100 मिले, आपके पास ये 100 है दिवानसी की इनकम, अर्नब की इनकम कितनी हो जाएगी सर, अर्नब की इनकम क्या हो जाएगी, 20% एक्स्ट्रा, हमने बोला अर्नब को 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, 20% एक्स्ट्रा, अर्नब को कितने मिलेगा, 120, तो यानी अर्नब को एक्स्ट्रा कितना मिला, अर्नब को एक्स्ट्रा तो 20% मिलेगा. पर मैं क्या कहूँ कि दीवानशी को 100 रुपये बोर्ड क्या कहते हैं, 20% कम मिला है, नहीं सर क्यों नहीं कह सकते, देखो ज़रा इसका 20% ज़्यादा निकालना, इसका ज़रा 20% निकालो, इसका 120 का, इसका 20% निकालो ज़रा, तो आपका आंसर आएगा
24। और अगर मैं बोलता हूँ कि आपको अर्नब से 20% कम मिले हैं, 20% आपको कम मिले हैं, आपको 20% कम मिले हैं सर, अर्नब को 120 मिलते हैं, आपको अर्नब से अगर 20% कम मिल रहे हैं, तो 20% कम मिलने का मतलब क्या है कि आपके 120 में से 25 माइनस होने चाहिए, ये 20% माइनस होने चाहिए, तो आपको तो यहाँ पर 96 आएगा। क्या आपको 96 रुपये मिले? क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल थे क्या ये अमाउंट? नहीं, यानी आपको इतना मिला है और आपको इतना कम मिला है, और आपकी वजह से सामने वाले को इतना ज़्यादा मिला है, ये परसेंटेज के टर्म्स में सेम नहीं है, ये परसेंटेज के टर्म्स में सेम नहीं है। रुपीज़ के टर्म्स में सेम आ सकते हैं, परसेंटेज के टर्म्स में सेम नहीं आएंगे। तो इनको करने का तरीका क्या है, इनको करने का तरीका क्या है? बहुत ईजी तरीका है, दो सेकंड रुकना बस मुझे, इसको मैं एक बार ट्राई कर लूँ, फिर मैं आपको सिंपल सा बड़ी तरीका बताऊंगा। अच्छा दो सेकंड रुकना, देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका पता है क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका कि इसका क्या है, बी से 10% एक्स्ट्रा है, 10% एक्स्ट्रा है, तो बता बी का कितना कम है, तो बी का कितना कम है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला पता क्या है, वो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है वैसा समझ लो, जिस तरह से मैंने आपको समझाया उसको समझ लो, उसको लिखेंगे कैसे, तो एज्यूम कर लो बी को कितना पैसा मिलता है, 100, बी पर डिपेंडेंट है ना, तो बी से तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, ये तो हमने लिख लेते हैं स्टेप में अपने, तो पहले तो ये पता करो कौन किस पर डिपेंडेंट है, सर ए बी पर डिपेंडेंट है, इसमें लास्ट पर्सन कौन है सीरीज का, सर इसमें दो ही लोग हैं, तो सर लास्ट पर्सन बी ही है इसमें, और फिर हम देखो लास्ट पर्सन से स्टार्ट करो, तो लास्ट पर्सन से बी की हमने इनकम मानी 100, अगर सर बी की 100 इनकम है, अगर बी की 100 इनकम है तो एक इनकम कितनी जाएगी, 10% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा यानी कि 110, कहीं और कुछ है क्या आया 10% एक्स्ट्रा, तो सर एक इनकम रुपीज के टर्म्स में कितनी एक्स्ट्रा है, 10 रुपये एक्स्ट्रा है, अब बी की इनकम कितने रुपये कम है, बी की इनकम कितने रुपये कम है, 10 रुपये कम है ए से, 10 रुपये कम है ए से, तो ए से कितनी कम है, ए से कितनी कम है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो सर निकालो ना 10 out of 110, तो 10 रुपये कम है ना, किससे कम है ए से, तो ए की टोटल इनकम कितनी है, अभी अभी आपने निकाली 110, आपको निकालना है 10 का क्या परसेंटेज है, आपको परसेंटेज निकालना है, आपको परसेंटेज के टर्म्स में निकालना है, परसेंटेज के टर्म्स में, तो ये तो पता चल गया 10 रुपीज़ कम है, 10 रुपीज़ कम है, पर कितना परसेंट है ये ए का, ए की इनकम का कितना परसेंट है, तो कैसे निकालोगे परसेंटेज, आउट ऑफ करके निकालते नहीं निकालते, परसेंटेज का मीनिंग आपको होता है इंटरप्रिटेशन कैसे क्रिएट करते हैं, आउट ऑफ और 10 out of 100, देन 10 out of 110, तो ये निकाल लो, उसको सॉल्व कर लो, आप इसको सॉल्व कर लोगे आपके पास आंसर आएगा 10 से 10 के आंसर 100/11, ये आपका आंसर आ गया, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, और इसका इजी तरीका बताऊं तो इसका आप इजी तरीका और क्या कर सकते हैं, इजी तरीका बता दूंगा, पर इस तरीके से ना वो एमसीक्यू में काम में आ सकता है, इजी जो तरीका है वो एमसीक्यू में काम आ सकता है, लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको ये तरीका लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लो एमसीक्यू ट्रिक, एमसीक्यू ट्रिक लगा लो कि एमसीक्यू आ जाए तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तो एमसीक्यू ट्रिक क्या है, 100 divided by 100+% एमसीक्यू है, एमसीक्यू का फॉर्मूला है, सॉफ्टवेयर ट्रिक है, ठीक है लिख लो, उसी कॉन्सेप्ट के नीचे लिख लेना, उसी कॉन्सेप्ट के नीचे एग्जाम्पल उतार लेना, नोट कर लो अभी, कर लो बाद में नहीं, अभी नोट कर लो एग्जाम्पल, उसके नीचे ट्रिक लिख लो एमसीक्यू ट्रिक, लॉजिक ये मैंने आपको समझा दिया, लॉजिक ये इस तरह से होगा, एमसीक्यू ट्रिक ये है, एमसीक्यू ट्रिक आपकी ये है, ठीक है सर, इस एमसीक्यू ट्रिक से भी आंसर सेम ही आएगा, हाँ चेक करो, तो 100 100 लिखा है, लिख लो 100,
नीचे भी 100 लिखा है, लिख लो 100। सर प्लस परसेंटेज की वैल्यू, परसेंटेज कितना है? 10% एक्स्ट्रा है, 10% से यहाँ पे 10 लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो 10। आंसर क्या आएगा आपका? 100 अपॉन 110। सर ये तो गलत आया। हाँ एक चीज इसमें ऐड कर लेनी है आपको, ऊपर ना एक मल्टीप्लाई करना है, नीचे प्लस करना है, नीचे प्लस करना है परसेंटेज वाला नंबर, और ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ऊपर परसेंटेज वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे जरा यहाँ पे इंटू 10 और करो, यहाँ पे जरा इंटू 10। तो सर ये 1000 हो जाएगा, और एक जीरो सर एक जीरो कैंसिल कर दो, क्या बचा आपके पास? 100 अपॉन 11, 100 अपॉन 11। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू ट्रिक होगी कि आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा। तो पूरा सॉल्व ऐसे करने का तरीका क्या है? तो पहले तो सबों की इनकम एक किसी भी एक एज्यूम कर लो, लास्ट वाले पर्सन की एज्यूम करो, फिर देखो उसकी कितनी आ रही है टोटल इनकम, फिर जिसकी मतलब पूछिए उसकी जिसकी दी हुई इनकम उनकी इनकम सारी सबों की निकालो, फिर पूछता है कि आपके पास एक इनकम आ गई 110, फिर देखो बी की कितनी कम है, बी की 10 रुपये कम है सर, 10 रुपये किससे कम है, 10 रुपये ऐसे कम है ना, तो निकालो परसेंटेज का रास्ता, परसेंटेज के टर्म्स में कितनी कम है, तो 10 आउट ऑफ 110, 10 आउट ऑफ 110 आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के बेस पर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा उनको करना, दोनों तरह से करने आपको, ऐसे लिख कर भी करने हैं, एम सी क्यू ट्रिक से भी करने हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करने से पहले एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन दोबारा से करना, अब वीडियो को 2 बार देख लेना, 4 बार देख लेना अगर ना समझ में आए तो। क्वेश्चन नंबर 9 ये वाला, 7C का भी 9 है ना, बस ये 3 क्वेश्चन होगा क्या आज के टॉपिक के, है ना।